थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया इस सेशन के लिए। तो ये सेशन स्पेसिफिकली आज हम बात करने वाले हैं सुपर सर्चर्स के ऊपर। ये सुपर सर्चर्स क्या है? सुपर सर्चर्स गूगल का एक इनिशिएटिव है जो कि आपको अच्छे से कंटेंट सर्च करने के लिए बताता है। इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूं, हमारे साथ गूगल टीम से भी कुछ लोग जुड़े हैं, जैसे कि हिमानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि गूगल के लिए इंफॉर्मेशन लिटरेसी पार्टनरशिप एशिया पैसिफिक रीजन के लिए काम करती हैं। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जैसे कि सोनिया जी, रितु जी, ईशा जी, ये सब गूगल फॉर एजुकेशन के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, ताकि हम अपने आप को और अपने अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गूगल के थ्रू अच्छे से पढ़ना लिखना सिखा पाएँ और खुद भी अच्छे से चल पाएँ। तो आज का जो ये प्रोग्राम है सुपर सर्चर, मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करूँगी। आई होप मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है। आलोक जी? नहीं मैम, अभी शेयर नहीं हुई है स्क्रीन, आप दोबारा शेयर करिए। ओके, हाँ जी, हाँ मैम अब दिखने लगी, स्लाइड शो में कर दी। स्लाइड शो में ही है वो, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा आ रहा है। ओके, ठीक है, नाउ परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर सर्चर के बारे में। सुपर सर्चर क्या है? हम सभी लोग डेली कुछ ना कुछ कंटेंट सर्च करने के लिए किसी भी सर्च इंजन को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम गूगल सर्च इंजन क्रोम को यूज़ करते हैं। तो हम अपने आप को बहुत अच्छा सर्चर मानते हैं कि हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल एरेना के लिए हो, चाहे वो हमारे पर्सनल एरेना के लिए हो। लेकिन ये सुपर सर्चर प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको और भी अच्छी तरीके से कोई भी कंटेंट सर्च करने को मिल जाए। जैसे कि इसमें हम आज बात करेंगे कि कोई भी कंटेंट जो हम ऑनलाइन सर्च करते हैं वो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन कैसे रहेगा। हम कोई भी ऑनलाइन सोर्स के थ्रू कुछ भी कंटेंट को सर्च करते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और कितनी है। जैसे कि जो छोटे छोटे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जब हम कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं, उनको हम इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे एजुकेट करेंगे कि वो किसी भी कंटेंट को कैसे सर्च कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बिना इधर उधर होते हुए। तो आज हम बात करते हैं सुपर सर्चर के लिए, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। हम जैसे कि हम सब मानते हैं कि हम बहुत अच्छे सर्चर हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हम कैसे सर्चर हैं। हम क्या करते हैं? हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं जो हमें सर्च करना होता है, और जो भी वेब पेज पर हमें अवेलेबल होता है हम उसको देखते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे छोटी सी एक्टिविटी से। मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। बहुत ही आसान एक्टिविटी है, बहुत ही इजी तरीके से करने वाली एक्टिविटी है। तो मुझे लगता है आप सब लोग अच्छे से तैयार हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए। आपके सामने ये एक पहला प्रश्न है। अब हम चेक करेंगे कि क्या आप एक सुपर सर्चर हैं या नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक यहाँ पे लेस का पैकेट है, बहुत फेमस है लेस, सबको पसंद है, सबने देखा हुआ है लेस। लेकिन यहाँ पर एक लेस का पैकेट दिखाया गया है जलेबी फ्लेवर। क्या असल में ऐसा कोई प्रोडक्ट है? आप फटाफट से जल्दी से ये इसको सर्च कीजिए और मुझे बताइए हाँ या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हाँ या नहीं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। आई होप कि हर कोई अभी इस कंटेंट को सर्च कर रहा होगा, क्या लेस जलेबी फ्लेवर हमारे पास है या नहीं है। ऐसा कोई है हमारे पास कंटेंट, ऑल न्यू जलेबी फ्लेवर? आप सभी इसको सर्च कर रहे होंगे।
आपका जवाब रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस आप सभी इसको सर्च कर रहे हैं मैंने अभी तक कोई भी कमेंट नहीं देख पा रही हूँ हाँ जी अच्छा ठीक है मैं देख रही हूँ बहुत लोग आंसर दे रहे हैं यस नहीं पाकिस्तान ठीक है मैम आपका वॉइस इको कर रहा है सेकंड वाले सिस्टम को म्यूट कर दीजिएगा हाँ इट इज ऑन म्यूट ओनली राइट ओके चलिए तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आई होप मेरी आवाज अभी भी इको कर रही है नहीं मैम अभी भी इको कर रही है हाँ जी अब ठीक है ठीक है हाँ नाउ तो यहां पर हमने देखा एक मिक्स रिएक्शन है किसी ने लिखा पाकिस्तान किसी ने लिखा प्रैंक है किसी ने लिखा नहीं है किसी ने लिखा हाँ है इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करते हैं अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ अभी एक ये और आपके सामने इमेज है किनारे पर अटका 9000 टन का जहाज क्या ये फोटो सच में वैसी ही दिखती है जैसी बताई गई है आपके पास 2 मिनट का टाइम है आप इसको सर्च कीजिए हाँ या नहीं मैं आशा करती हूं कि आप सभी अभी इसको सर्च करने में लगे होंगे क्योंकि अभी हम आगे बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो कि हाई क्वालिटी है उस पर फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत सारे लोग इसको ढूंढ रहे होंगे 2 मिनट का टाइम आपके पास किनारे पर अटका 9000 टन का जहाज हाँ या नहीं आलोक जी आप बताएंगे कि कमेंट्स कैसे आ रहे हैं क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूं कमेंट्स को दूसरे सिस्टम से आवाज इको हो रहा है तो बताइए किस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं हम कुछ लोग सर्च कर पा रहे हैं और जो पिछले आंसर्स हैं उसमें कुछ लोगों ने सर्च किया कुछ लोगों को मिला है कि वो शायद फ्लेवर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस्ड है ओके गुड फ्लेवर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस है ठीक है अच्छी बात है कि हम सब सर्च कर पा रहे हैं कुछ ना कुछ कंटेंट हमारे सामने आ पा रहा है किनारे पर अटका 9000 टन का जहाज क्या ये फोटो सच में वैसी ही दिखती है जैसे बताई गई है जहां तक मुझे लगता है आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे अभी हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम कल अपने स्टूडेंट्स को ये ऐसी सर्चेस करना सिखा पाएंगे जो कि एक रिफाइंड मेथड से रहेगा हाँ जी आलोक जी बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर आ रहा है हाँ या नहीं कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये प्रैंक है ओके ठीक है चलते हैं हम आगे ये अभी प्रैंक वाली बात है तो ये अभी लेस पैकेट को ही सर्च कर रहे होंगे हम अगले प्रश्न पर पहुंच चुके हैं मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप आगे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए किनारे पर अटका 9000 टन का जहाज हाँ या नहीं क्या ये फोटो ऑप्शन में हाँ बोला है कुछ लोगों ने मुंबई ओके का लोकेशन बताया कि मुंबई में यह इंसिडेंट हुआ ओके ठीक है कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं कुछ लोग अभी भी सर्च कर रहे हैं तो हम टाइम को देखते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं
ठीक है, हम इन दो प्रश्नों के बारे में अभी बात करेंगे कि किस तरीके से आपने सर्च किया होगा और किस तरीके से सर्च कंटेंट दिखाया गया होगा। हम जो भी चीज सर्च करते हैं, जैसे कि अभी आपने लेस के बारे में सर्च करा और जहाज के बारे में सर्च करा, तो जो भी आपको सर्च करने के बाद कंटेंट स्क्रीन पे दिखाई दिया उसको हम बोलते हैं रिजल्ट। जैसे कि SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, वो आपका होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जहां पर आपको बहुत सारे तरीके के रिजल्ट्स दिखाई दिए होंगे। ये हम ऑनलाइन सर्चेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि हम कैसे अपने सर्चेस को, आपने क्या देखा और मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ। चलिए, तो मैं चलती हूँ अभी आपके, मेरी दूसरी विंडो आपके पास है, मेरी विंडो आपको दिखाई दे रही होगी। मैंने यहाँ पर सर्च किया है लेज जलेबी, ठीक है, हिंदी में ही टाइप किया है क्योंकि ये हिंदी का आज सेशन है, तो मिक्स सेशन हम रखेंगे। लेस जलेबी, जब मैंने इसको टाइप करा तो बहुत सारा कंटेंट दिखाई दिया, जैसे पाकिस्तान और बहुत बहुत सारी चीजें। किसी ने बोला कि हाँ ये है, किसी ने बोला कि हाँ ये नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे टैब्स रहते हैं यहाँ पे। अगर मुझे इमेज वाइज सर्च करना है तो मैं इमेजेस पे क्लिक करूंगी, तो आप ये देख पा रहे हो कि इमेजेस यहाँ पर हैं, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। तो हमने क्या मान लिया कि ये लेस का जो पैकेट है, जो जलेबी फ्लेवर है, ये पाकिस्तान में है। लेकिन किसी ने भी इसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं करी। हाँ, आप में से कुछ लोगों ने शायद सही पकड़ा है उसको, आप लोगों ने कि कुछ लोगों ने इस चीज को ध्यान से देखा है कि वो क्या है। हमें अब क्या करना होता है, जब भी हम कोई कंटेंट को सर्च करते हैं उसके बाद हमें एक रिलायबल सोर्स के ऊपर जाना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स के नाम है, तो मुझे लगता है ये NDTV फूड जो है एक रिलायबल सोर्स हो सकता है हमारे लिए। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप ये देख सकते हैं कि NDTV सोर्स हमें ये कह रहा है कि ये एक प्रैंक है, ये एक प्रैंक है। जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने इसको पता कर लिया कि ये एक प्रैंक था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यही लिखा कि ये पाकिस्तान में है या ये नहीं है। तो हमें अपनी सर्चेस को करने के लिए सबसे पहले क्या कंटेंट हम सर्च कर रहे हैं उसके बारे में सोचना है, फिर आपको रुकना है और चेक करना है कि जो सामने चीज आ रही है क्या वो ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए हम अपने दूसरे उस पर जाते हैं। आपने लिखा किनारे पर अटका जहाज, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे हमारे पास वीडियोस भी आए हैं, कुछ वेबसाइट्स भी आए हैं, बहुत कुछ आया है। तो क्या ये मेरा रिफाइंड सर्च हुआ? याद कीजिए वो क्वेश्चन क्या था, वो था किनारे पे अटका 9,000 टन का जहाज। हमने सिर्फ लिख दिया किनारे पर अटका जहाज। क्या होता है, बहुत बार हमें थोड़ी सी जल्दबाजी होती है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड लेके हम शायद अच्छे से रिजल्ट ले पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें अपने शब्दों को बहुत ध्यान से चुनना होता है किसी भी कंटेंट को सर्च करने के लिए। तो जैसे कि जब मैंने लिखा किनारे पर अटका 9,000 टन का जहाज और साथ में मैंने लिखा भारत, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से एक रिफाइंड सर्च मेरे पास आ गया है। आपके पास वीडियोस भी उससे रिलेटेड आ चुके हैं और भी बहुत सारे कंटेंट आपके पास आ चुके हैं। तो जैसे कि अभी मैंने इसको सर्च कर लिया, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या इस वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या ये ठीक है, क्या मैं इस पर रिलाय कर सकता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली हम एजुकेशन सेक्टर में जब कोई भी कंटेंट ढूंढते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सोर्स रिलायबल होना चाहिए, वो कंटेंट हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। हम एजुकेशन पर्सपेक्टिव से भी थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी हम जर्नल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये 3 डॉट्स है, आप इस पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे, तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास सारी डिटेल आ रही है। अगर आपको और ज्यादा डीप डाइव करना है तो आप इस पे विजिट करके पूरा का पूरा कंटेंट बहुत आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कंटेंट यूज करना है या नहीं करना है।
तो यहां तक हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? आपने देखा कि हमने लेस के बारे में जब बात किया, तो हमने जब डीप डाइव किया तो हमें पता चला कि वो एक प्रैंक था जो पाकिस्तान ने किया था, ये प्रैंक लेस जलेबी का। दूसरा, जब हमने वो जहाज के बारे में पता करने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे शब्द पूरे नहीं थे तो इसलिए हम उसको ठीक से कंटेंट को सर्च नहीं कर पाए। जैसे ही हमने अपने शब्द पूरे किए जो हमें चाहिए था, तो हमारे पास एप्रोप्रिएट रिजल्ट आ गया। तो कुछ तरीके हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले अपने ही सवाल को समझना है कि हम सर्च इंजन पे क्या सर्च करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि जब हमने सर्च कर लिया तो क्या वो हमें सही जगह पे लेके जा रहा है, क्या वो डायरेक्शन हमारी बिल्कुल सही है, जो हमने सर्च किया है क्या वही कंटेंट हमें मिला है, और उसी हिसाब से हम सबसे पहले अपने आप से सवाल जवाब करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि अभी तक जो भी हम सर्च कर रहे थे वो आधी अधूरी सर्च कर रहे थे, तो हम सुपर सर्चर नहीं थे। हम सुपर सर्चर कब होते हैं? जब हम बिल्कुल अच्छे से सारा कंटेंट को ध्यान से आराम से उसको एनालाइज करते हैं और यूज करते हैं। तो अभी हम देखते हैं, ये जितना भी अभी हमने पैरामीटर किया है इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मींस सूचनाओं के बारे में कंटेंट को समझना और करना। तो अभी हमारे पास चार ऐसे स्टेप्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी से रिलेटेड हैं, जिसे हम बोलते हैं सिफ्ट। बहुत ही शॉर्ट है, इजी है, कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिफ्ट मेथड है कोई भी लिटरेसी को अडेप्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन लिटरेसी को अडेप्ट करने के लिए। सिफ्ट में एस मीन्स स्टॉप, आप रुकिए, आई मीन्स इन्वेस्टिगेट, अच्छे से उसकी जांच परख कीजिए जो भी आप सर्च कर रहे हैं, जो भी आपके सामने आया है। एफ मीन्स फाइंड बेटर कवरेज, आपको सोर्स पता करना है कि वो रिलायबल है या नहीं है, जो हम कंटेंट सर्च करना चाहते हैं वो कंटेंट सर्च हो पाया है या नहीं है। और लास्ट, जो कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें सारे ट्रेसेस, क्लेम्स, इन सब को देखना है, क्या ये ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में है। आज का ज़माना क्या कहता है? आज का ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत सारा कंटेंट आपको जब वेब पेज पे मिलेगा तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया हुआ भी हो सकता है, जैसे कि वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दो आज के ज़माने में हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन फिर भी हमें एक बार उसको क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए। अल्टीमेटली ये हमारे स्टूडेंट्स का मामला है, हमें अपने स्टूडेंट्स को क्या कंटेंट सर्व करना है इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि सिफ्ट क्या है। तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपको सिफ्ट मेथड समझ में आया, अभी तक जितना भी हमने कवर किया है क्या वो समझ में आया या नहीं। जल्दी से लिखिए येस और नो, हाँ या नहीं। आई थिंक सो एवरीबडी इज राइटिंग देयर, सब लिख रहे हैं। एस मीन्स स्टॉप, आई मीन्स इन्वेस्टिगेट, एफ मीन्स फाइंड बेटर कवरेज, एंड टी मीन्स ट्रेसेस, क्लेम्स, कोर्ट्स एक्सेट्रा। सो ये सिफ्ट मेथड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा, ये कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है। तो आलोक जी, आप देख पा रहे होंगे क्या कमेंट आ रहे हैं सबके, सबको समझ में आया येस और नो? मोस्टली येस मैम। ग्रेट, तो दैट मींस हम एक बिल्कुल सही पाथ पर चल रहे हैं। जैसे कि जब हमने इस इमेज को देखा, हम इसको रोके, सबसे पहले जब मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया, सबने सबसे पहले इमेज को देखा होगा। हम इस इमेज पे रुके, हमने इसको एनालाइज करा ये क्या इमेज है, और उसके बाद ही हमने क्वेश्चन रीड किया होगा। फिर हमने इस पे सर्च बार पे लिखा किनारे पर जहाज अटका। बेहतर कवरेज के लिए हमें एक प्रॉपर सोर्स की जरूरत होती है, जैसे कि जब हमने करा किनारे पे अटका जहाज, तो जैसे मैंने आपको एक पेज दिखाया था उसमें सारा कंटेंट आ रहा था जो एक
मिक्स कंटेंट था। अभी हमें नहीं समझ में आ रहा था कि ये वही चीज है जो हमें चाहिए या कोई और चीज है। फिर हमने टाइप किया जहाज अटका 9000 टन भारत। अब हम बात कर रहे हैं फाइंड बेटर कवरेज की, क्योंकि वो तीन शब्द जोड़ने से मेरा जो सर्चेस है वो और रिफाइंड हो गया है। फिर मुझे रिजल्ट पेज दिखाया गया, सर्च इंजन ने मुझे एक रिजल्ट पेज दिखाया जो हाँ मेरे लिए बहुत इफेक्टिव था, यही चीज मैं ढूंढना चाह रही थी या आप ढूंढना चाह रहे थे और वो आपके सामने आ गया। फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया उस सोर्स को, क्या सोर्स था, हमने वो इन्वेस्टिगेट किया, हमने थ्री डॉट्स पे क्लिक करा और उस सोर्स के बारे में पता लगाया कि क्या ये सच में रिलायबल सोर्स है या नहीं है। सोर्स हमें पता चल गया, हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया और फिर बस यहीं पे हमने सारे ट्रेसेस भी फाइंड आउट कर लिए, एवरीथिंग वी हैव डन। तो अब हमारे पास थ्री स्टेप्स में बहुत आसानी से ये काम पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा प्रैक्टिकल। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा अपना कंटेंट और रिफाइन करने के लिए। जैसे कि मुझे एक इमेज के बारे में सर्च करना है, तो हमारे पास ये एक आइकन दिया हुआ है सर्च बाय इमेज। तो इमेज ऑलरेडी मेरे सिस्टम पर है, मैं आपको सिर्फ एक बार चेक करके दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप इमेज से भी रिफाइन सर्चेस कर सकते हैं। जब मैंने इस इमेज पे क्लिक करा, आप कोई भी URL लिंक पेस्ट कर सकते हैं, अपलोड अ फाइल, तो मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है, मैं वो फाइल को यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। वही शिप फाइल है जो आप मैंने आपको दिखाया था, सेम वही शिप उठाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं सिर्फ इतना सा कंटेंट सेलेक्टेड है, हमने ही देख लिया। अब आप देख सकते हैं बहुत सारी इमेज है जो मिक्स आई है ये राइट हैंड साइड पे। इसको और बेटर कवरेज करने के लिए और अच्छा करने के लिए कोई भी इमेज है, आप जैसे ही इमेज को एक्सटेंड करेंगे, जहां तक आपको चीज चाहिए जो आप ढूंढना चाहते हैं, जैसे ही इमेज को एक्सटेंड करेंगे आप देखेंगे आपके पास अब ज्यादा इमेजेस वैसी आ गई है। अगेन आप इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप इसके बारे में फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके ट्रेसेस को भी देखेंगे कि वेदर रिलायबल चीजें हैं या नहीं है। तो ये हमारा हो गया इमेज के बारे में। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए कंटेंट सर्च करने के लिए। बहुत आराम से हम एक कंटेंट सर्च करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं सर्च करना चाहती हूँ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, ये एक प्रोमिनेंट टॉपिक है जो हर स्टेज के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। मैंने टाइप किया लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई और एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं पहले कुछ इमेजेस आ रही हैं, यहाँ पर बहुत सारे टैब्स हैं, ऑल टैब ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है, बहुत सारे टैब्स हैं। अगर मैं नीचे जाऊँ तो बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट्स हैं, आप देख पा रहे हैं बहुत सारी वेबसाइट्स, वीडियोस, बहुत कुछ है। लेकिन क्या मैंने रिफाइंड सर्च किया, क्या मैंने ये जो लिखा है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इतना लिखना काफी था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए यस और नो, क्या इतना लिखना काफी था लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई? आई होप हर कोई लिख रहा है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, क्या इतना लिखना काफी था, यस और नो? एक मिनट का टाइम है आपके पास, सोचिए, स्टॉप, हम शिफ्ट मेथड यूज कर रहे हैं, स्टॉप आपने आप कीजिए, सोचिए क्या हमने जितना लिखा है वो कंटेंट ठीक लिखा है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, यस और नो? आलोक जी आप देख पा रहे होंगे कमेंट्स हमारे पार्टिसिपेंट्स के, यस मैम 50-50 यस और नो है। ओके, यस भी है नो भी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम हर ग्रेड के बच्चे को पढ़ाते हैं,
वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो अभी जो ये कंटेंट मेरे सामने आया है, ये हो सकता है ग्रेड 3 के लिए हो सकता है ये ग्रेड 8 के लिए हो। तो ये हमने ठीक कंटेंट नहीं लिखा है, ये जो हमने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई लिखा है ये अधूरी बात लिखी है, हमें अभी इसको पूरा करना है। जैसे कि मैं लिखना चाहती हूँ स्टेजेस फॉर ग्रेड 3, तो अब ये मेरा कंटेंट पूरा होता है। मैंने इसमें क्या लिखा, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, उसके साथ मुझे उसकी स्टेजेस भी चाहिए, और मैंने ये भी लिख दिया कि मुझे ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स के हिसाब से चाहिए। एंटर, तो अभी ये जनरेट हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। एक ये बहुत सुंदर सा बॉक्स हमारे सामने कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो ये इनको हम बोलते हैं स्निपेट्स। ये जितना भी कंटेंट ग्रेड 3 से रिलेटेड लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई स्टेजेस के ऊपर होगा वेबसाइट्स पर, उसका एक कंसाइज फॉर्म दिया हुआ है, आप इसमें शो मोर करके इसको भी यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी ये दिखता है, जैसे आप देख रहे हैं, इट इज रिटन AI ओवरव्यू। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने इस बात पे, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अब क्या करना है, अब हम स्टॉप करा, अब हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने ये बायजूस की साइट को फाइंड कर लिया है, ठीक है, बायजूस एक नाम है, एक नेम फेम है, तो ये बहुत अच्छा ही कंटेंट देते होंगे, अभी तक मैं ये समझ पा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके। हमने जब इस 3 डॉट्स पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पर विजिट में जा करके इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और इसके ट्रेसेस, क्लेम्स, कोट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप इसमें से कंटेंट लेकर के अपने स्टूडेंट्स के लिए शेयर करेंगे। तो अभी मैं आप सभी को 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट सर्च कीजिए और मुझे बताइए क्या आप स्विफ्ट मेथड से इसको सर्च कर पाए हैं। 1 मिनट का टाइम आपको लग रहा होगा बहुत कम है, लेकिन कम नहीं है, क्योंकि हम दिन भर में बहुत बार बहुत सारी चीजों को सर्च करते हैं। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट टॉपिक को लेंगे, सर्च बार में लिखेंगे और स्विफ्ट मेथड को अप्लाई करते हुए सर्च करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद कर पा रही हूँ कि आप सभी इस मेथड को कर पा रहे होंगे, आप कर रहे हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप अभी मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जहां तक मेरी उम्मीद है, आप सभी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट को सर्च कर रहे हैं, स्विफ्ट मेथड यूज करेंगे। स्विफ्ट मेथड इस्तेमाल करने से हमारा सर्च करने का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम कोई कंटेंट सर्च करते हैं, ये हमारे बच्चों से रिलेटेड नहीं है, ये तो हायर क्लासेस से रिलेटेड है, ये लोअर क्लासेस से रिलेटेड है, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों में निकल जाता है। तो स्विफ्ट मेथड को यूज़ करके हम बहुत आसानी से, बहुत अप्रोप्रिएटली अपना कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग कंटेंट को सर्च कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नो लिखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि ये स्विफ्ट क्या होता है। यस कर, सर्च कर पा रहे हैं, यस के आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अब सर्च कर पा रहे हैं, और अब से ये सेशन ओवर होने के बाद से आप सभी को स्विफ्ट मेथड का ही इस्तेमाल करके कंटेंट सर्च करना है। क्योंकि अभी आपको मैंने सिखाया, अभी आगे आप अपने और स्टाफ मेंबर्स को, अपने कलीग्स को सिखाएंगे, फिर आप सब मिलके अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाएंगे। बिकॉज स्टूडेंट्स के हाथ में आजकल वो सब गैजेट्स हैं, वो कभी भी कोई भी कंटेंट सर्च कर पाते हैं, तो ये हमें एजुकेट करना है उनको कि कैसे कोई भी कंटेंट को अच्छे तरीके से, रिफाइन तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अब आगे अपने स्टूडेंट्स को भी सेम तरीके से एजुकेट करेंगे कि कैसे किसी भी कंटेंट को सर्च करना होता है। तो जहां तक मेरी उम्मीद है, आप सभी इसको सर्च कर पा रहे हैं।
तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये अब आप बन गए हैं एक सुपर सर्चर। तो हमने क्या क्या किया? हमने किया एक, सबसे पहले हमने अपने आप को टेस्ट किया कि क्या हम कोई भी कंटेंट सर्च कर पा रहे हैं। जैसे हमने लेस का एग्जांपल लिया और जहाज का एग्जांपल लिया, तो वहां पर सबके मिक्स रिएक्शंस थे, हाँ भी नहीं भी, पाकिस्तान प्रैंक, सबके मिक्स रिएक्शंस थे। उसके बाद फिर हमने खुद एक रिफाइंड सर्च करने की कोशिश करी। अब हम क्या हो गए, अब हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी के पाथ पर चल पड़े हैं। तो आगे आगे हमें इस चीज को फॉरवर्ड करना है कि कैसे एक सुपर सर्चर बनके हम अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को हम किस तरीके से पेश करेंगे जो भी कंटेंट हम रिफाइन कर रहे हैं। याद रखिए, जो भी कंटेंट आपको वेब पेजेस पे मिलता है वो हो सकता है एआई जनरेटेड हो। अगर वो ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको उसके ट्रेसेस जरूर फाइंड आउट करने हैं, आपको स्विफ्ट मेथड को जरूर जरूर अपनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको अपने तीन यूज केसेस दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर, ये मेरे अपने पर्सनल हैं, जो कि क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मुझे पता है कि किस किस चीज़ की हमें प्रॉब्लम आती है। तो उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में से मैं अपने तीन यूज केसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी हमने ये करा था, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई स्टेज फॉर ग्रेड 3 इमेजेस। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने हमारे साथ आज पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं जो कि इमेजेस को कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी तो हो जाती है लेकिन पेस्ट कभी होती है कभी नहीं होती है। जल्दी से लिखिए यस और नो। कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं? जो लोग हैं वो यस लिखते जाइए। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत हमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में इमेजेस की जरूरत पड़ती है, तो हम कॉपी तो कर पाते हैं बट कभी कभी पेस्ट नहीं कर पाते। मे बी क्वेश्चन पेपर में, रीडिंग मटेरियल में, किसी भी कंटेंट में। कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं? यस आलोक जी, आप देख पा रहे हैं? यस मैम, मैक्सिमम लोग यस बोल रहे हैं कि सर्च करते हैं। तो करते हैं ऐसे। तो जब हमने सर्च किया तो हमने सिर्फ लिख दिया लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई स्टेज फॉर ग्रेड 3, और जो भी कंटेंट पेज पर आया हमने बस उसको देखा और पूरी कोशिश करी कि वो कॉपी पेस्ट हो जाए। छोटी छोटी चीजें जो आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल होती हैं उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिए। ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स आपके लिए ही बनाए गए हैं, आपको ही सर्व करने के लिए बनाए गए हैं। तो हमें कभी नहीं डरना चाहिए कि हमने इधर क्लिक किया तो कुछ गलत हो जाएगा, उधर क्लिक किया तो कुछ गलत हो जाएगा। कुछ गलत नहीं होगा जब तक आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा बटन है टूल्स। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख पाते हैं आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, साइज, कलर, यूसेज, राइट टाइप, एनी टाइम। इन्हीं में से आपको कुछ कॉन्टेंट सर्च करना है। अगर आप क्लिक करें, आप किस तरीके का साइज चाहते हैं, क्या कलर चाहते हैं, क्या यूसेज राइट चाहते हैं, क्या टाइप चाहते हैं, किस टाइम पे इसको अपलोड, कौन सा लेटेस्ट है, कौन सा पुराना है, इस टूल बार को आप एक्सेस करके अपनी सर्चेस को और रिफाइंड कर सकते हैं। अगेन, आपको स्विफ्ट मेथड का पूरा पूरा इस्तेमाल करना ही है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद मेरा एक तो ये हो गया। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक मिनट का टाइम लीजिए, कोई भी इमेजेस को सर्च कीजिए। क्या आपको ये टूल बार दिखाई दे रहा है? दिख रहा है तो आप इन चीज़ों को, ये सब जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ये सब ऑप्शंस हमारे लिए ही बनाए गए हैं। जितने लोग भी सर्च करते हैं, सर्च इंजन यूज़ करते हैं, उनके लिए ही बनाए गए हैं। तो आप एक बार इसको जरूर हैंड्स ऑन करके देखिए। तो ये है मेरा पहला यूज केस। अब मैं चलती हूं अपने दूसरे यूज केस के लिए। अगर मेरे को कोई रिटन कंटेंट चाहिए,
मेरे पास कोई भी एक रिटन कंटेंट आएगा, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई स्टेजेस फॉर ग्रेड थ्री, ये बहुत सारा कंटेंट मेरे पास है, बहुत सारे वेब पेजेस, बहुत सारे वीडियोस, बहुत कुछ है मेरे पास। अभी थोड़ा सा ना इसको और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आपको स्विफ्ट मेथड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। छोटे छोटे ऑप्शंस जो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हैं उनको एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करके देखना है। जैसे कि फिर से मेरे पास ये टूल्स आया, इमेजेस में भी आया था, अभी भी आया है ये टूल्स। तो मैं ये टूल्स पर जब क्लिक करूँगी, क्योंकि अभी इमेजेस नहीं सर्च किया है, ये ऑल पर है, तो मेरे पास यहाँ पर ये शॉर्ट में आया है, सिर्फ इसी कंटेंट से रिलेटेड, एनी टाइम ऑल रिजल्ट्स। ऑल रिजल्ट्स में आप वर्बेटिम वर्जन को भी चेक कर सकते हैं। वर्बेटिम वर्जन का मतलब है जो मैंने सर्च किया है, जो भी कंटेंट इसके बाद आएगा वर्बेटिम पे क्लिक करके, वो ग्रेड थ्री के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। अगेन आपको फिर से स्विफ्ट मेथड जरूर यूज करना है, स्टॉप इन्वेस्टिगेट फाइंड ट्रेस, प्लीज। इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे, आपने अल्टीमेटली ये कंटेंट अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। तो ये है मेरा यूज केस नंबर टू। थर्ड यूज केस नंबर थ्री, कभी कभी हमें ऐसा भी कंटेंट चाहिए होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का हो, स्पेसिफिक फॉर्मेट में हो, स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए उसमें। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? कितने लोगों ने अभी तक, आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें से कितने लोगों ने ये एडवांस्ड सर्चेस का ऑप्शन एक्सप्लोर किया है? जल्दी से लिखिए यस, जितने भी लोगों ने यूज किया, यस और नो, एडवांस सर्च। मैं उम्मीद कर रही हूं कि सब लिख रहे हैं एडवांस सर्च, यस और नो। यस मैम, कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यस नो, यस नो, सब मिक्स मींस अभी जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों को तो पता है एडवांस सर्चेस का, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। ये मेरा अपना यूज केस नंबर थ्री जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एडवांस्ड सर्च। जब आप एडवांस सर्च करते हैं, आपको क्या कंटेंट सर्च करना है, आपके पास एक पूरा विंडो खुल करके आएगा। आप इस विंडो को ध्यान से आराम से पढ़िए, समझिए कि ये विंडो क्या कहता है, और उस हिसाब से आपको सर्चेस करने। जैसे कि आप लैंग्वेज भी देख सकते हैं, कब अपडेट हुआ है, किस कौन सा फाइल टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा फाइल टाइप है। तो आपके पास हर तरीके के फाइल टाइप यहाँ पर है। तो जैसे कि हम सर्च कर रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई स्टेजेस ग्रेड थ्री, तो यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ क्लिक कर सकते हो। तो आपको वेब पेज पे सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ ही दिखाई देंगे। तो डिस्पाइट ऑफ कि आप इधर उधर हंट कर रहे हैं कि मैं यहाँ क्लिक कर रहे हैं कि वहाँ क्लिक कर रहे हैं, आप एडवांस सर्चेस पे भी जा सकते हैं। और उसके बाद आप एडवांस सर्चेस करेंगे, आप फिल्टर्स को रिमूव भी कर सकते हैं, आपके लिए सर्चेस अवेलेबल हैं। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया है एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को, आज हमने सुपर सर्चर बनाया है। हमने चार स्टेप्स, बहुत इजी गोइंग चार स्टेप्स हमने फॉलो कर रहे हैं, SIFT। आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, जब भी आप सर्च कर रहे हो, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, जो आप सर्च कर रहे हैं आप वो लिखेंगे, फिर आपके सामने कोई कंटेंट आएगा, स्टॉप, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो आपने सर्च कर रहे हो क्या वो अप्रोप्रिएट, जो आप चाहते हो वही है, फाइंड बेटर कवरेज, जो आपके सामने रिजल्ट आया है क्या वो आपका जो भी कंटेंट आप चाहते हो क्या वो पूरा कवर हो पा रहा है, और उसके बाद आपको टेस्ट करना है, ट्रेसेस, क्लेम्स, कोड्स, सबको एक बार ज़रूर और ज़रूर चेक करना है। तो ये है हमारा स्विफ्ट मेथड। तो आज हम क्या बन गए हैं, आज हमने इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे चलना शुरू किया है। अभी हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे और आगे अपने कलीग्स को, स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करेंगे कि कैसे किस तरीके से इस कंटेंट को हमें रिफाइन करना है। हमारे बच्चे हमसे बहुत आगे हैं, स्टूडेंट्स हमसे बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में,
सिर्फ उनको ठीक से टेक्नोलॉजी यूज करना हमें ही सिखाना है। तो आज हम अगर अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि किस तरीके से कंटेंट सर्च करते हैं तो वो सीख पाएंगे और शायद इधर उधर भटकने से बच पाएंगे। तो मेरा आज का यही है कि आप कैसे इस चीज को समझ पाते हैं, क्या कर पा रहे हैं। मेरी तरफ से आज इतना ही। अभी हम फिर मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक के लिए जहां पर हम और अच्छे से कुछ सर्चेस को कर पाएंगे। आलोक जी, थैंक यू सो मच मैम। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, मैं टाइम देख पा रही हूँ, टाइम को मद्देनजर रखते हुए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी। बस शिफ्ट मेथड को आपने याद करके रखना है और उसी हिसाब से सर्चेस करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर द सेशन। तो आपने इसमें सुपर सर्चर्स के बारे में जाना और कुछ नया सीखने को मिला आपको कि कैसे सर्चेस किए जाते हैं, क्या कॉपी पेस्ट है, और आप कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करते रहे अपने आंसर्स के थ्रू।